बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 10th क्लास जनरल साइंस के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQs के गेस्ट पेपर्स अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर स्कीम एंड पेपर पैटर्न। बेटा, इस साल की जो न्यू पेपर स्कीम है या पेपर पैटर्न है, उसके मुताबिक बेटा जो है आप लोगों के साथ जो है वो मैं गेस्ट पेपर शेयर करने लगा हूँ MCQs के। अगर आप इन गेस्ट पेपर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप बेटा पेपर में जो 15 नंबर के आपके MCQs आते हैं, पहला क्वेश्चन, वो आप 15 में से 15 नंबर हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। वो पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं और इस साल जो है वो जो उन्होंने 10th क्लास का जनरल साइंस का पेपर देना है, तो वो बेटा इस वीडियो को लाजमी देखें। इसके अलावा इसी चैनल के ऊपर बेटा मैंने आप लोगों के साथ जो है वो इस सब्जेक्ट के अलावा तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स, पेपर पेयरिंग स्कीम जो है 9th क्लास, 10th क्लास, वो शेयर किए हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। स्टार्ट करते हैं बेटा MCQs से। जो हमारे पास 10th क्लास की जो है जनरल साइंस की बुक है, उसके बेटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं, उसमें फर्स्ट वाला MCQs है, वर्क का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहलाता है। वो बेटा वर्क का जो इंटरनेशनल सिस्टम का यूनिट्स है वो जूल कहलाता है। उसके बाद दूसरा है, इनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम है। इनर्जी के बेटा मुख्तलिफ इकसाम है 3, यानी वो केमिकल इनर्जी, हरारती एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों हैं। उसके बाद बेटा किसी जिस्म की पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है MGH के। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है MGH, हाफ MV² ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। उसके बाद बेटा चौथा क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, तो वो रोशनी की एनर्जी इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। मॉलिक्यूल की हरकत की वजह से होने वाली एनर्जी है वो बेटा हरारती एनर्जी है। इसी तरह एनर्जी जो मतहरक चार्जेस की वजह से होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। न्यूक्लियर फिशन से किस किस्म की एनर्जी हासिल होती है, हरारती एनर्जी बेटा। उसके बाद न्यूक्लियस से रेडिएशन का इखराज कहलाता है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहलाता है। इसी तरह नावें न्यूक्लियस के टूटने का अमल कहलाता है, ये फिशन होता है बेटा। आज से कितने साल पहले घरों में बल्ब नहीं जलते थे, 50 साल पहले। रवायती तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का तरीका है थर्मल पावर। इसी तरह बेटा आपके पास अगला है, इलेक्ट्रिसिटी के हसूल का तरीका जो पोल्यूशन नहीं फैलाता वो बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। आगे 13 वाला है, बिजली की पैदावार पानी के बहाव की वजह से होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के पानी के बहाव की वजह से होती है। कोयला, तेल और गैस को कहा जाता है फोसल फ्यूल्स। इसी तरह 15वां है, फोसल फ्यूल में जखीरा एनर्जी होती है न्यूक्लियर एनर्जी। ये बेटा आगे 16वां है आपके पास, अगर मैं इन सब को बारी बारी पढ़ता जाऊंगा तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बेटा मैं इनको ऊपर करता जाता हूँ और आप क्या करते जाएँ, इनको जो है वो पढ़ते जाएँ और इनको साथ साथ प्रिपेयर करते जाएँ। ये बेटा आपके पास 19 वाला है, 20 वाला है, 21 है, 22 है, इसी तरह 23 है, 24 है। बेटा जिन बच्चों को इसकी PDF की फाइल चाहिए हो वो बेटा मुझे जो है WhatsApp के नंबर पे जो है, इस स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, इधर बेटा WhatsApp करें, मैं इंशाल्लाह उनको जो है ये फाइल भी सेंड कर दूंगा, ताकि जो है वो अच्छे से इसकी तैयारी कर सके। ये बेटा 32, 33, इसी तरह 34 है, 35 है, 6 है, 7 है, 100 आपके पास है बेटा, 38 है, 39, 40, 41, 42, 43 है, 4 है, 5 है, इसी तरह 46 है, 7 है। बेटा ये टोटल आपके पास जो है तकरीबन 200 जो है MCQs हैं आपकी 10th क्लास की जनरल साइंस के। अगर आप इन 200 MCQs को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो बेटा आप 10th क्लास के जो है साइंस, जनरल साइंस सब्जेक्ट जो है आपका आर्ट्स का, उसमें आप फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं, 15 में से 15 जो है MCQs में आप हासिल कर सकते हैं। ये बेटा आपके पास 62, 63 है, 64 है, 65, 6, 7, 8, 69 है, 60 के बाद आप 70, 71, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह आपके पास बेटा 7 है ये वाला,
एट है, नाइन है, टेन है, यानी 80 है, 81, 82, सो ऑन में आपके पास ये सारे जो है टेंथ क्लास जनरल साइंस के जो है वो MCQs के टेस्ट पेपर जो है बेटा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा बेटा जो है बाकी तमाम जो है सब्जेक्ट है नाइन्थ क्लास के, टेंथ क्लास के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के बेटा उनकी पेपर पेयरिंग स्कीम, गेस्ट पेपर्स, ईच एंड एवरीथिंग इसी चैनल के ऊपर बेटा मैंने शेयर की हुई है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही, तो बेटा स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह आपको जो है उसका लिंक भी सेंड कर दूंगा, PDF फाइल भी सेंड कर दूंगा। ये बेटा 100 वाला है, ये 101 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, ये 7 वाला, 8 है, 9, 10, 111 है, 111, 12, 113 है, ये एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है बेटा इसमें। इसी तरह बेटा वे 114, उसके बाद 15 है, 16 है, सो ऑन बेटा, ये आपके पास सारे जो है ये 120, 21, 22, सो ऑन बेटा, ये आपके पास ये जो आपको MCQ स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं इनके जवाब भी बेटा दिए हुए हैं। ये आपकी 10th क्लास की जो है जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो गेस्ट पेपर्स हैं MCQs के, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आप पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। ये बेटा 135, 6, 7, 8, 9, 140 लेज़र की बीम सफ़र तय करती है। इसी तरह 141 पहला इस्तेमाल होने वाला लेज़र, 142 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 149 है, 150 है, रेडार किंग वेव को भेजने और वसूल करने का आला है। इसी तरह बेटा 151, 2, 153 है, 4 है, अल्फा रेडिएशन पर चार्ज होता है। इसी तरह बेटा आपके पास सो ऑन ये 160 है, बीटा रेडिएशन पर चार्ज होता है। इसी तरह बेटा आगे आपके पास 161 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये 7 वाला जो है क्लोरीन के आइसोटोप्स की तादाद 2 होती है बेटा। इसी तरह 168 है, ये सब के बेटा साथ साथ आंसर भी दिए हुए हैं। मैं अपने टाइम को कम से कम करने के लिए ताकि हमारी वीडियो जो है जल्दी कंप्लीट हो जाए, इसको बेटा मैं जल्दी जल्दी ऊपर करी जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इनको साथ साथ आपने प्रिपेयर कर लेना, अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो है पेपर में MCQs में 15 में से 15 मार्क्स आप हासिल कर लेंगे। ये बेटा 180 है, उसके बाद 181 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, ये 188 है, 189 है, 190, 191 पाकिस्तान की इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सेक्टर, उसके बाद बेटा 192 है, 193 है, 194 है, 195 है, 196 है, 7, ये 198 इंसान ने चांद पर कब कदम रखा, उसके बाद 199, ये 200, 201, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्पार्को कायम हुआ ये आपके पास 1961 है। इसी तरह बेटा आपके पास 208 है, ये 209, ये 10 और ये 211, ये आपका लास्ट वाला बेटा जो है वो MCQs है 211, ये 211 MCQs हैं बेटा जो साल शुद हैं। इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है 10th क्लास जनरल साइंस के लिए, इंशाल्लाह जो है आप पेपर में जनरल साइंस के जो MCQs के 15 नंबर के जो बेटा आपका पेपर होता है उसमें आप फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और बेटा इसके अलावा आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है ताकि दूसरे तमाम सब्जेक्ट की जो है वो गेस्ट पेपर्स, पेपर पेयरिंग स्कीम वगैरह जो है वो भी आपको इसी चैनल पे मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।